आईपीएल का मैच नंबर 16 और जो दोनों टीमें शिरकत कर रही थी दोनों के नाम में रॉयल शब्द मौजूद है लेकिन अगर आप नतीजा देखें ना तो सिर्फ एक ही टीम शाही अंदाज में खेली दूसरी टीम तो धाराशाही होगी हम बात कर रहे हैं आरसीबी और राजस्थान के बीच जो मैच खेला गया था आप देख रहे हैं कॉइन डीसी क्रिकेट फोर टी ट्वेंटी टाइम आउट

जब कप्तानी करता था ये जो वीडियो एनालिस्ट और ये जो डेटा एनालिस्ट के लोग हैं ना इनको अपने से बहुत दूर रखता था इनको मैं सिर्फ उतना ही अपने पास अलाव करता था कि अगर जब मैंने रन बनाए हो ना तो इनके पास जाओ अपने चौके और छक्के देख लो जिससे कॉन्फिडेंस मिले इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है क्योंकि ये आएंगे ये बहुत चीजें बोलेंगे कि ये मैच अप है इसको इस टाइम पे बोलिंग कराओ ये इस टाइम पे सक्सेसफुल है ये इन ओवर्स में सक्सेसफुल है ये डेथ में अच्छे नहीं है ये नई बॉल से अच्छे नहीं है थ्योरीज बहुत है क्रिकेट थ्योरीज का गेम नहीं है क्रिकेट फील्ड पे उतर के बॉल और बैट का कॉन्टेस्ट है अगर क्रिकेट थियोरीज का गेम होता है और लैपटॉप पे खेला गया होता तो शायद लोगों ने बीस बीस तीस हजार रन लैपटॉप पे बना लिए होते शायद हम लोग भी नहीं ऐसी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं, नहीं। आप इतना डेटा अगर आप किसी टीम के साथ होते तो आप इतना खेल है ही नहीं क्रिकेट तो बहुत इंस्टिंक्टिव खेल है कि आप बॉल देखते हैं ठीक है एज ए कैप्टन जब आप होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन का जो भी बल्लेबाज अपना बेस्ट गेंदबाज को उसके अगर चलवाएं उसको आउट करके वापस पवेलियन भेजिए ये क्या थ्योरी है कि जी ये नया बॉल का अच्छा बॉलर नहीं है ये डेथ का अच्छा बॉलर नहीं है इसको ए ओवर करवाओ अगर इतना अगर इतनी चीजें होती तो फिर तो एक कागज़ लेके आओ जेब में और पढ़ पढ़ के बॉलिंग देते रहो आपको कैप्टनशी की जरूरत नहीं है ऑफ फील्ड कैप्टन भी हो सकते हैं नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हो सकते हैं तो यही शायद कुछ सीख ले सकती है कुछ आईपीएल टीम्स कुछ आईपीएल टीम्स तो मुझे पता है वो ज्यादा एनलिस में बिलीव नहीं करती और शायद यही कारण है वो सफल भी रहती चलिए पहले पॉइंट का रुख करें वो ये कि देवदत्त पड़कल और कोहली की जो विराट साझेदारी रही सबसे पहले पडिकल के बारे में बात करते हैं पहली उन्होंने आईपीएल सेंचुरी लगाई थोड़े शुरुआत में जब आए कोविड की वजह से एक दो मैच भी मिस कर गए और जब आए तो इतने लय में नहीं नजर आते लेकिन अब लगता है सारी जो बीमारी वीमारी पीछे छोड़ चुके हैं पूरी लय में नजर आ रहे जो पिछले सीजन भी नजर आए थे देखिए बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ना होप कि इनका करियर और आगे जाए क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत अगर इतनी अच्छी हुई और किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है कोविड से बैटल करके इतने बड़े टूर्नामेंट बनाइए कोई सैयद मुश्ताक अली नहीं है कि आप अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं आप जब आईपीएल जैसी इंटेंसिटी का टूर्नामेंट खेलते हैं और वो भी चेन्नई में आप शुरुआत करते हैं जहाँ बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान नहीं है उसके बाद जब आप लेह में आते हैं और लेह में देखिये ये विकेट सबके लिए सेम ही था ऐसा नहीं है कि देवदत्त पाडिकल और विराट कोहली के लिए अलग था और राजस्थान के बल्लेबाजों को किसी और स्ट्रिप पे खेलने का मौका मिला था विकेट एक चीज है कंडीशन एक चीज है उसको यूटिलाइज करना आपकी अबिलिटी के ऊपर है तो पाडिकल ने करके दिखाया होप की वो और मेहनत करें अपने आप को लेवल हेडेड रखें क्योंकि लेवल हेडेड रखना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक इनिंग से खिलाड़ी स्टार बन जाता है दो इनिंग से खिलाड़ी बिल्कुल नीचे चला जाता है तो सबको मीडिया को भी एक्सपर्ट्स को भी खिलाड़ी को भी एक लेवल हेडेड रहना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली गोल है अपने देश के लिए खेलना और देश का नाम रोशन करना और देश के लिए ज्यादा रन बनाना फ्रेंचाइज क्रिकेट इंपॉर्टेंट है लेकिन देश सबसे बड़ा है तो आई होप की उनका जो करियर है वो आगे जाके मेहनत करते रहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे आप पिच कह रहे हैं जैसे बिल्कुल वाजिब बात भी है सबके लिए एक ही जैसी थी लेकिन मैच से पहले ही विराट ने थोड़े संकेत दे दिए थे कि मुंबई में खेल रहे हैं थोड़ा वो वो कंफर्टेबल रहते हैं वो नजर भी आया थोड़ा इनको ज्यादा सूट करता है उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग को कंफर्टेबल रहते हैं तभी मुंबई में रहते भी है <laughs> <laughs> तो अल्टीमेटली हाँ किस, किसी भी बल्लेबाज से आप ये पूछोगे की वो कहाँ पर खेलना चाहेगा आईपीएल के मैचेस तो वो कहेगा सिर्फ दो स्टेडियम है जहां पर मैं खेलना चाहूंगा एक है वाखेड़ के चिन्ना स्वामी अगर आप किसी से भी पूछो अगर आप शायद जब मैं केकेआर का कप्तान था मुझसे ये पूछते है एज अ बल्लेबाज की आप कहाँ खेलना चाहोगे तो मैं भी यही कहता कि चन्ना स्वामी में अगर खेलने को मिल जाए ना तो मजा आ जाए या फिर वहां खेड़े में लेकिन अगेन कि श्रेय देना चाहूंगा पूरी आरसीबी टीम को विराट कोहली को खास करके गेंदबाजों को क्योंकि एक ऑपोजिशन को अगर 170 पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये वो कमाल की गेंदबाजी है और कई बार आप जब चेन्नई से आते हैं तो आपकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है आप कई बार वही सेम लेंथ डालते हैं जो चेन्नई में डालते हैं शायद वो जो चेन्नई में लेंथ डालते हैं वो यहाँ पर हिटेबल लेंथ है ज्यादा चेंज ऑफ पेस यहाँ पर काम करती नहीं आपको टेस्ट मैच लेंथ से गेंदबाजी करनी पड़ती है आपको बाउंसर का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है चेन्नई में इतनी बाउंसर हमें देखने को मिली नहीं तो इसलिए इतना जल्दी एडजस्ट करना और ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करना श्रे पहले तो गेंदबाजी को जाता है उसके बाद जिस तरीके से रुतलस तरीके से मैच को खत्म किया दोनों ओपनर्स विराट कोहली और पार्डिकल इससे पता चलता है कि देखिए मैच आप एक रन से भी जीते हैं पॉइंट आपको दो मिलेंगे लेकिन ये जो सिग्नल टीम देती है ये सिग्नल देती है चैंपियन साइड का कि अगर ऑपोजिशन नीचे तो उसको पूरा क्रश करना एक रुथलस तरीके से खेलना और ये एक बहुत अच्छा साइन है आरसीबी के लिए और उनके फैंस के लिए जहां हमने देखा आरसीबी के टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया वहां हमको राजस्थान से वो देखने को नहीं मिला 43 थ्री फोर थ्री हो गए थे और कई लोग कहेंगे मैच लगभग वहीं खत्म हो गया था मैं आपसे संजू सैमसन के बारे में बात करना चाहता हूं गौतम हम मैच से पहले जब चर्चा कर रहे थे मैंने परेशानी शब्द का इस्तेमाल किया था और आपका कहना था परेशानी नहीं ये परेशानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे अब आप क्या बोलेंगे एक और मैच चला जाता है और वो रन नहीं बनाते देखिए पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली उनको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कम से कम आज कॉन्ट्रीब्यूट किया पच्चीस तीस रन बनाए क्योंकि संजू की अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो हंड्रेड एंड नथिंग हंड्रेड और नथिंग देखिए मेरा पॉइंट फिर से वही है कि आप इतना सॉफ्ट तरीके से आउट होते आपने पहली गेंद पे इतना लंबा छक्का मारा उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप एक रन के लिए ही खेलेंगे कि किसने थ्योरी सिखाई है और ये कौन सिखाता है किसने बनाई है ये थ्योरी कि अगर आप छक्का मारो तो अगली गेंद पे एक ही रन लेना है अगर आपको पहली गेंद पे कवर ड्राइव मारने का मौका मिलता है हाफ वॉली पे और आप चौका मारते हो दूसरी गेंद अगर हाफ वॉली होती है तो आप दूसरी गेंद भी मारते हैं ना कोई ये तो नहीं कहता कि अगर आपको तो पहली हाफ वॉली मिली है तो आप चौका मारे दूसरी अगर फुल टॉस या हाफ वॉली मिली तो उसको एक रन के लिए खेले कई बार क्योंकि गौतम कई बार एनालिस्ट बोलते हैं ना आप एक छक्का लगाओ फिर अगली बॉल पे चांस लेते हुए आउट हो जाओ नहीं एनालिस्ट के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं हाँ। तो सिर्फ एनालिस्ट नहीं बोलते कोचेस भी बोलते हैं कई कोचेस भी ऐसे ही अच्छा पहली बॉल पे छह रन आ गया तो उसको ग्यारह रन का ओवर बनाओ ठीक है छह रन पहली गेंद पे आ गए तो पांच रन पाँच सिंगल हो ग्यारह रन का ओवर आ गया तो बहुत बढ़िया ओवर हो गया जरूरी है अगर वही छह ग्यारह रन के ओवर को आप अगर बीस रन के ओवर में कन्वर्ट कर दो तो आप ही की टीम का भला होगा किसी और टीम का तो भला नहीं होगा तो इसलिए टी क्रिकेट अगर आप अपने आप को बैक करते हैं कि अगर ऑफ स्पिनर आया है तो जबरदस्ती अगर आपको लगता है कि आप उस गेंद पे एक और छक्का मार सकते हैं तो क्यों एक रन निकालना है? मैं तो इसी तरीके से सोचता था मैं तो कभी किसी खिलाड़ी को ये नहीं कहता था कि आप अगर पहली बॉल पे छक्का मारे तो आप दूसरी बॉल पे अगर आपके स्लॉट में नहीं है तो आप मत मारिए यूसुफ पठान को देखिए आप बाकी एंड्रोड रसल को देखिए कल अगर आप एंड्रोड रसल एक एक छोटा सा एग्जाम्पल है छत्तीस पे पांच के बाद भी चौबीस रन मारे उन्होंने शार्दुल ठाकुर को कोई अगर आप उस थ्योरी से जाते हैं वीडियो एनलिस्ट या एक्सपर्ट्स की तो अभी आप टाइम ले लीजिए Uh, अंदर सेटल हो जाइए ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती क्रिकेट खेली जाती है अंदर जाके इंस्टिंक्टिव और रिएक्ट करने के लिए कि अगर आपके जोन में आप मारिए आउट हो गए तो आउट हो गए तो अगर संजू शायद अगर वो एक रन के लिए नहीं खेल रहे होते अगर अपने आपको बैक करते अगर उनको लगता था कि उस गेम पे छक्का मार सकते थे तो मारना चाहिए था वो डिसमिसल बहुत सॉफ्ट था क्योंकि ना वो सिंगल निकालने के लिए खेल रहे थे और ना वो मारने के लिए खेल रहे थे वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी तो प्रॉब्लम है लेकिन सॉफ्ट डिस्मिसल उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है आरसीबी के एक और स्टार परफॉर्मर और आपने थोड़ी सी जिक्र भी उनका शुरुआत में किया था मोहम्मद सिराज तीन विकेट लेते हैं सत्ताइस रन देते हैं हम जैसे मैचअप के बारे में बात करते हैं आपको लगता है कई बार ओवर एनालिसिस होता है लेकिन आज सिराज को देख के ये तो तय हो गया कि पूरी तैयारी के साथ आए थे किस बैट्समैन के खिलाफ क्या गेंदबाजी करनी है जैसे हमने देखा बटलर को बिल्कुल रूम नहीं दे रहे थे इनका टर्स मार रहे थे उनको और मिलर को जहां तक सवाल है यॉर्कर मारते हैं पूरी तरह से तैयार हो आए है देखिये हर खिलाड़ी तैयार होकर आते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी त्यारी खिलाड़ी तैयार होकर नहीं आता अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं भी ये सोचता था कि लसत मलिंगा के खिलाफ किस तरीके से तैयार होना है या फिर जब आप किसी और गेंद जहीर खान गेंदबाजी कर रहे होते थे तो किस तरीके से वो मुझे आउट कर सकते हैं मैं उनको कहाँ पर रन बना सकता हूँ और सेम तरीके से गेंदबाज भी सोचता है कि क्या बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं कहाँ पर मैं उसको आउट कर सकता हूँ तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर उनको उन्होंने रूम नहीं दिया और बटलर को मैनुफैक्चर करना पड़ा शॉर्ट मैनुफैक्चर आप तब करते हैं शॉर्ट जब आपको पता है कि गेंदबाज ने आपको ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया वही अगर आपको कोई हाफ वॉली दे दे या फ्री भी दे दे लातों पे या फिर शॉर्ट बॉल दे दे कट मारने के लिए तो आपको मैनुफैक्चर करने की जरूरत है ही नहीं अगर आप टाइट गेंदबाजी करेंगे अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे नई गेंद से तो आप हमेशा ऑपरचुनिटीज क्रिएट करेंगे बस तो मोहम्मद सिराज के पास वो स्किल है कि जो वो नई गेंद से हमेशा ऑपरचुनिटीज क्रिएट करेंगे इस बीच शिवम दुबे और तेवातिया ने अच्छी पारी खेली राजस्थान के लिए एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए एक ने 40 रन बनाए एक ने 40 फिर भी आप कहेंगे ओवरऑल जब इनिंग्स ब्रेक भी हुई थी 20 30 रन कम थे देखिए अभी तो लग रहा है कि 80 रन कम थे जिस तरीके से मैच खत्म हुआ है कि ट्वेंटी थर्टी नहीं जिस तरीके से डोमिनेट किया देखिए मेरा मानना है कि आपका खराब दिन हो सकता है बल्लेबाजी से आपका खराब दिन हो सकता है गेंदबाजी से लेकिन आपका खराब दिन आपकी इंटेंसिटी से नहीं हो सकता अगर आप शुरू से इंटेंसिटी देखें कितनी जल्दी आई थिंक शोल्डर्स व ड्रूपिंग डाउन कोई इंटेंसिटी इंटेंसिटी नहीं थी कई गेंदे आप नहीं भी रोक पाते लेकिन एफर्ट तो आपको पूरा करना चाहिए था बाउंड्री पे कई गेंदे आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दी पॉइंट एटीट्यूड का है कि ठीक है आप अगर सिर्फ दो तरीके से आप चीजें देख सकते हैं या तो पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से अगर आप ये सोचते रहे कि जी जोफ्रा जॉफ्रा नहीं है बेन स्टोक्स भी इंजर्ड हो गए तो फिर तो आपका सीजन वैसे ही खत्म हो गया लेकिन संजू सैमसन हो गए मनन वोरा हो गए जॉर्ज बटलर हो गए त्रिवतिया हो गए जयदेव उन्नाथ कट हो गए श्रेयस गोपाल हो गए ये फ्रेंचाइज के साथ पिछले तीन तीन चार चार साल से हैं ऐसा नहीं है कि इनको इसी साल लिया गया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है फ्रेंचाइज को उठाना 2016 या 15 में मुझे याद नहीं वो कौन सा सीजन एंड्रोड रसल डोपिंग के चलते हुए बाहर हुए थे और उस टाइम हमारे को उनकी रिप्लेसमेंट हमने ली थी कॉलिन डिग्रांड हो उस साल भी हम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे थे इसमें कोई मैं अपना श्रेय नहीं चाहता पूरी टीम का एफर्ट था लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी सिर्फ दो तरीके हैं या तो ये सोचते चले जाइए कि एंड्रोड रसल नहीं अब क्या होगा और अगर एंड्रोड रसल अकेले ही आपको जिता सकते हैं तो फिर हमारा इस रूम में बैठने का कोई फायदा नहीं है फिर तो ऐसे करते हैं कि हम सिर्फ चले जाते हैं कोई और खेल लेता है एंड्रेडल कप्तान कप्तानी कर लेते तो यही आज राजस्थान रॉयल्स को बैठ के सोचना होगा कि अभी भी दस मैच है या तो वो बिल्कुल नीचे जा सकते हैं या फिर अपने आप को उठाइए डेविड है। मिलर हैं बहुत एक्सपीरियंस है और ये सोचिए कि हम जो खिलाड़ी अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं हम इतने अच्छे हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं खराब दिन हो सकता है लेकिन अपने एटीट्यूड खराब मत रखिए अपनी इंटेंसिटी खराब मत रखी है वो सिर्फ आपके हाथ में एटीट्यूड बहुत इंडिविजुअल और वो स्टार्ट कप्तान से होता है अब कप्तान और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से आप फ्रेंच पूरी टीम को उठाएंगे पूरे स्क्वाड को उठाएंगे बिकॉज ये जो ऐसी हार होती है ना ऐसी हार बहुत डिमोटिवेटिंग होती है कि आप पंद्रह ओवर में ही हार गए दस विकेट से हार गए इससे खराब कुछ हो नहीं सकता इससे नीचे आप जा नहीं सकते अब अगर आप कहीं जा सकते तो वो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं लेकिन वो ऊपर जाने के लिए एक मेंटल एटीट्यूड एक कॉन्शियस uh, एटीट्यूड और एक हर तरीके से कि कितने आप में मानसिकता है मेंटल uh, टफनेस है अपने आप को उठाने की वो देखना जरूरी है आगे जाके पता चलेगा किस तरीके से उठाएंगे आखिरी में जानना चाहूंगा इस टोटल को जब डिपेंड करी थी राजस्थान की टीम क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप जो एम फैक्टर है जो आपके मुस्तफिजूर है और मॉरेस है उनसे क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस गेंदबाज है या फिर आपको लगा पिच थी इतनी सपाट ज्यादा कुछ कर नहीं पाते देखिए अगर आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते तो फिर उनको नहीं गेंद देनी चाहिए थी क्योंकि आप एक ही तरीके से गेम में वापस आ सकते थे अगर आप नई गेंद से विकेट चटकाते अगर आपने नई गेंद देनी नहीं थी क्रिस मॉरिस को और मुस्तफे जुर को तो मतलब आपने यू हैड पुट ऑल योर एक्स इन वन बास्केट के श्रेयस गोपाल आएंगे और विराट कोहली को आउट कर देंगे फिर अगला मैक्सवेल को कोई ऑल आउट कर देगा ए को श्रेयस गोपाल आउट कर देंगे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ श्रेयस गोपाल को मुश्किल कंडीशंस में श्रेजग गोपाल का बहुत बेहतरीन गेंदबाज है ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी को इसलिए पिक करें क्योंकि उनका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है तो अगर आपको लगता था कि क्रिस मॉरिस आउट कर सकते थे नई गेंद से पार्टिकल को या विराट कोहली को तो आपको दो स्टेप लगानी चाहिए थी गली लगानी चाहिए थी उनको बोलना चाहिए था कि आप टेस्ट मैच लैन डाले हम आउट करने को देख रहे हैं लेकिन अगर आप स्पिनर से ही शुरुआत करवाएंगे वो भी नई गेंद से वाखेड़े जैसे मैदान पे जहाँ कोई ग्रिप नहीं है तो मतलब आप यही सोच रहे हैं कि आई होप कि एक विकेट मिल जाए फिर उसके बाद हम अपने मेन गेंदबाजों को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड में या फिर वो जो सोच है वो अगेन वो सोच आई एम श्योर कि मैनेजमेंट की होगी या मुझे नहीं लगता कि संजू की वो सोच होगी कि श्रेयस गोपाल से शुरुआत करेंगे बिकॉज श्रेयस गोपाल से अगर आपने शुरुआत करनी तो आप चिपॉक में करते हैं आप कहीं और करते हैं नई गेंद से वांग में स्विंग देखने को मिलता है मोहम्मद सिराज ने जॉर्ज बटलर को बोल्ड किया ठीक है आपने तीन विकेट खोए तेज गेंदबाजी के खिलाफ और आप स्पिनर से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर वही वीडियो एनालिस्ट आई कीप कमिंग बैक टू दैट वीडियो एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस किया इतनी बार मैचअप में आउट कर दिए तो कप्तानी अंदर से होती है और संजू सैमसन आई होप आगे जाके खुद की कप्तानी करें बाहर की ना गौतम बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए आपने पूरे दिल से बात की और हालांकि वेन्यू बदल गया है जहां तक आरसीबी का सवाल है चेन्नई से मुंबई आ गए लेकिन उनकी जो जीत का सिलसिला है ना वो अभी भी जारी है और ये मैच भी उन्होंने दस विकेट से जीता आप देख रहे थे कॉइन डीसी प्रेजेंट ई एसपीएन क्रिकेट फोर टी ट्वेंटी टाइम आउट